जो मत जो के चले, ये मार्च ज्वाला है, ये मार्च ज्वाला है। कहते हैं ना एक भक्ति गाना कभी फीका होना चाहिए, और यूं तो माता रानी जरूर देती है, लेकिन मांगने का तरीका होना। कौन कौन मांगने आए हैं माँ जी, जरा हाथ उठाने एक बार धीरे धीरे। आनंद आ रहा है, हम तो बजा दो एक बार जोरदार तालियां जितने भी मैया के शेर हुए। हमारा डिपार्टमेंट जब मैं बोलूंगी तब। नहीं नहीं, वैसे तो लेडीज फर्स्ट होता है। अच्छा, एक बार जितनी माता है मैंने, जरा वो हाथ उठाए, जितनी माता है मैंने कर लो, तुम माता है मैंने हो क्या? इनकी गिनती माता बहनों में कर दो भाई। जो माता है मैंने वो जरा हाथ उठाना बिल्कुल सीधे सीधे, झंडा ऊंचा, यही हमारा बोली सच्चे दरबार की जय जय। ना कटाओगी क्या? बहुत कंजूसी कर रही, जरा ऐसे सीधे सीधे हाथ उठाना और एक बार मिलकर ताली बजाना। बोली सच्चे दरबार की जय। प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो कि बैंक इधर बैठी, नाम इनको बताओ। ये 50 रुपए का दास सुनील कुमार जी माता रानी छोड़ों को समर्पित कर रहे हैं। जय माता दी। प्रेम से बोलो सारे बोलो माँ से दावारी, भोली भर देती संकट हर लेती। जय माता दी। अच्छा, किसको किसको लगता है कि आज माँ से हम अपने दिल की बात करेंगे तो माँ हमारी झोली भरेगी? जिनको जिनको भरोसा है ना, एक भरोसे वाले हाथ उठाओ, ताली बजाओ। 1 2 3 4 बहुत अच्छे, एक बार ऐसे ही ताली बजाओ और एक बार मिल के गाना माँ से कहना। माँ ये माँ जगदम्बे है, ये माँ काली है, ये माँ जगदम्बे है, ये माँ काली है। तूने शेर पे बैठे जो भी आया है दरबार में बड़ा किस्मत, बड़ा किस्मत वाला। देखो ढोलक बजा रही है, आप ही के सहारे में चलो ताली बजाओ। जो भी आया है दरबार में
आप लोग सबसे अच्छा आप ही लोग गाती हैं। एक बार गाओ। जो भी आया है दरबार में बड़ा किस्मत वाला, जो भी आया है दरबार में किस्मत। अब जो जो मानते हैं हम किस्मत वाले, एक बार सीधे सीधे हाथ उठाओ, बिल्कुल सीधे सीधे, झंडा ऊंचा, झंडा ऊंचा, पक्का। तो एक बार ये लोग पीछे वाले, ये वाले भी हाथ उठाएंगे, सारे हाथ उठो और ताली से लगाओ। जो भी आया, जो भी और एक बार आनंद आया तो जरा ताली बजाओ भाई, सारे भाई हो गए। बोली सच्चे दरबार की जय, बोली दुर्गा मैया की जय जय। अब ये बताइए, भजन सुनेंगे या थोड़ा सा झूमेंगे भी? देखो बहनों की तो फरमाइश थी कि हमको नचाना भी। हाँ, थोड़ा जोर से बोल दीजिए। अच्छा अच्छा, हाँ तो आई तब हम नहीं नाचते, लेकिन नाचते बुलाया है जो माँ की बुलाने जाएंगे। एक बार जरा वो हाथ उठाए
और जो अभी बैठे हैं, हाँ भैया, जो भैया के बुलाने से है वो नहीं उड़ाएंगे, क्योंकि आज ये भी माता रानी के बुलाने से है। जो माँ के बुलाने से जरा दोनों हाथ उठाके ताली। सारा ठेका हमने निकाल रखा है, ऐसा लग रहा है हम लोग पैसा ले रहे ना, भैया ने बुलाया तो हम भी देखेंगे। हम लोग गाएंगे तो उसमें आपका बेड़ा पार नहीं होगा, आप गाएंगे तभी आपका बेड़ा पार होगा, क्योंकि भोजन आप करेंगे पेट आपका भरेगा, हमारा नहीं। तो जो करेगा सेवा उसी को मिलेगा मेवा। किसको किसको चाहिए मेवा? दरबार की मेवा, जरा ताली मिल के ताली। जय माता दी, जय माता कुसुमांडा मुल्ला, जय माता ब्रह्मचारिणी, जय माता चैल पुत्री, जय माता माँ बारा देवी, जय माता दी। वैष्णो देवी कौन कौन गया है? देखिए आगे से भैया लोग हैं, आप लोग वैष्णो देवी गई, कौन कौन जाना चाहती? अच्छा हाथ ना उठाओ, कोई ताली बजा कर बताओ। जरा प्रेम से बोलो, जय माता दी, जरा प्रेम से बोलो, सारे बोलो मसीरा वाली। इसी आवाज को थोड़ा और जोर से करिए। देखो आप उतनी जोर से बोलना जितना जोर से घर के अंदर बोलती हैं, और इनको उतना जोर से बोलना जितना जोर से घर के बाहर बोलते हैं लोग। जरा प्रेम से बोलो, सारे बोलो। देखो इनका तो फाइनल हो गया, इतनी जोर से घर के अंदर बोलते हैं। जरा प्रेम से बोलो, सारे बोलो। बहुत जोर से बोलते हैं ना, एक बार ये लोग बोलेंगे। जरा प्रेम से बोलो, सारे बोलो। इससे भी जोर से घर के बाहर बोलते हो, इतना जोर से नहीं बोलते, इतना जोर से तो माथा है मैंने बोलते। जरा प्रेम से बोलो, सारे बोलो मसीरा वाली, झोली भर देती संकट भर लेती। देखो एक बार यदि इतनी जोर से ताली हो जाए ना तो आनंद आ जाएगा। एक बार सीधे सीधे हाथ उठाना, किसी का भी हाथ नीचे ना हो, सारे हाथ ऊपर।
पीछे से भी कोई देखी या ना देखे मैया सब देख रही है, जरा उठा के हम हमें दिखाई जिनको मेरी माता रानी बुलाती है, तो आइए जरा सारे मिलके गाएं।
देखिए कहते हैं भावना में भावना, तो भावना बेकार है, और भावना में थोड़ा सा भी भाव हो तो भाव से बेड़ा पार है। तो सारे बोलते कर ये 50 रुपए की अदास छोटे पेट्रोल पंप दसौली वालों की तरफ से माता रानी के चरणों में समर्पित हुए हैं, और ये 50 रुपए की अरदास गोपाल माली जी ये माँ भगवती के चरणों में अपनी अरदास लगा रहे हैं। माँ जिस खजाने से अरदास आई है उस खजाने को सदा ही भरा रखना है। जय माता दी। आइए सुनिएगा दीपान सिंह तिवारी जी को बड़े सुंदर सुंदर भजनों के साथ, बड़ी प्यारी प्यारी लांगुड़िया भेटे माँ भगवती के चरणों में। बोली बांके बिहारी लाल की जय जय, बोली राधा रानी सरकार की जय। आइए एक भजन प्रभु राम के चरणों में, आज हम सभी चरणों में बैठे हैं, क्योंकि कहते हैं कि गजल को भजन बना देते और सारे जहां में तिरंगा फहरा देते, और कमबख्त होती इन हिंदुस्तानियों में एकता तो अयोध्या तो क्या पाकिस्तान में भी राम मंदिर बना देते। अभी इनको कम समझ में आया, फिर से मैं बोलती हूँ। अच्छा ये बताइए, देखिए हम सनातनी हैं, हमारे पास और कोई ऐसा मंच नहीं है जिसमें कि हम अपने धर्म के बारे में बोल सके, क्योंकि आजकल हमारे धर्म में बहुत सारे लोग भटकते जा रहे हैं, तो ये उनके लिए। बोली सियावर रामचंद्र की जय जय श्री राम जय श्री राम। अच्छा ये बताओ प्रभु राम को कौन कौन मानते हैं, तो एक बार जोर से बोलना पड़ेगा जय जय श्री राम। ट्रेन निकल गई तब बोल रहे हो जय जय श्री राम। हाँ देखो ये अब लग रहा है कि नहीं ये राम को चाहने वाले हैं। आइए सारे बड़े भाव से प्रभु को मनाएं, बिहारी जी को मनाएं, हनुमान जी को मनाएं। आइए लगन तुम से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। बहुत अच्छा गा रहे हो आप लोग, बहुत अच्छा गा रहे हो, लेकिन बस थोड़ी सी आवाज और यदि निकालेंगे ना तो और अच्छा लगेगा। लगन तुमसे जो होगा बना बैठे जो होगा। सुनो सुनो, बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे कि जब से आई बार बार ये बोल रही है कि हाथ उठाओ ताली बजाओ, इसके पीछे क्या कारण है, इसके कारण कहते ऐसी
क्योंकि कहते कहता है लेकिन खिलाना कैसा हो बीर सबरी के जैसे खिलाते नहीं कौन कहता है भगवान नाचते नहीं गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं अक्षतम के शिवम कृष्ण दामोदर राम नारायण जानकी वल्लभ। और ये इसी बीच सौरभ गिरदास श्री रामाश्री मालिक एंड गोपाल फ्लावर डेकोरेशन असलदार मालिक तरफ से ये 101 रुपए गिरदास आई है। जय माता दी। मेरा छोटा सा घर महलों की रानी है वो। सुनिए आप लोग थोड़ा सा आप लोग शांत हो जाएंगे, बहुत शोर मचा रहे हैं, वरना फिर हम भी ऐसे गाकर चले जाएंगे, क्योंकि हमारा काम है और हमारी ड्यूटी भी है कि हमको गाना है तो जैसे भी जैसे तैसे करके हम एक डेढ़ घंटे गा ही लेंगे। लेकिन यदि थोड़ा सा आप लोग साथ देंगे तो हो सकता है आपको भी आनंद आए और हमें भी आनंद आए। इसीलिए अभी भैया ने बोला था ना कि बारिश ना होने से फसलें खराब हो जाती और भजन कीर्तन में ना आने से नस्लें खराब हो जाती। मतलब आने वाली पीढ़ी भजन कीर्तन ना होने से आने वाली पीढ़ी खराब हो जाती, कोई मतलब ही नहीं। भजन कीर्तन में बैठने का मतलब समझते हैं क्या बात है बेटा, बैठ जाओ शांति से बैठ जाओ, थोड़ा सभ्यता का परिचय दे दो, ऐसा लगे कि देखो इसमें तुम्हारे माता पिता का कोई दोष नहीं, वो तो तुम्हें भरपूर संस्कार देते लेकिन दोष तुम्हारा है, तुम लोग ही इतना उपद्रव कर रहे हो। आप शांत बैठ जाओ भाई, हाथ जोड़ लो, शांत बैठ जाओ। रहा है वो नसीबों से ज्यादा तेरा है। आज इस जागरण को कराने में भैया ने बहुत मेहनत करी होगी, है ना भैया, एक एक चीज हर एक चीज को संजो संजो कर कि माता रानी आएंगी मैं ऐसा करूंगा मैं वैसा करूंगा, लेकिन इनको ऐसा लगता होगा कि नहीं ये बहुत आसान है इतना बड़ा जागरण कराना। एक जागरण कराना मतलब एक बेटी की शादी के बराबर होता है कि हमारे घर में माता रानी भी आएंगी, इतने सारे कलाकार लोग आएंगे, कहीं ऐसा ना हो कि कोई त्रुटि हो जाए, तो आप लोग थोड़ी देर में शांति का सहयोग दीजिए। बोली सच्चे दरबार की आइए सारे मिलकर बड़े भाव से गाएं, क्योंकि कहते हैं कि बुराई कल बुरा होगा भलाई कल भला होगा, बुराई कल बुरा होगा भलाई कल भला होगा, लेकिन कोई देखे ना देखे तो खुदा तो सांवरा देखता होगा। आज आपके भाव से तो सारे मिलके सजा दो को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार Yeah.
बोली दुर्गा मैया की, बोली सच्चे दरबार की, जाता है बोली जीता है, लाई जोगा चोली, मैया ना बिगाड़ी, मैया ना बिगाड़ी, जाता है बोली प्रभास यादव एंड बालाजी ज्वेलर्स असलदा वालों तरफ से 100 रुपये का दास और 100 रुपये का दास श्री मुकेश कुमार गुप्ता जी माँ भगवती के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। जय माता दी। बोली दुर्गा मैया की, सुनिए जब नवरात्र का। अच्छा ये बताइए आज कौन सा दिन है नवरात्र का? मंगलवार नहीं पूछ रहे हैं, इधर से आवाज आई मंगलवार। आज कौन सा दिन है? तीसरा दिन है। क्या बात है, बहुत सुंदर। इधर से बताइए, हैं?
कौन सा दिन है भैया? तीसरा दिन, 12 बज गया, चौथा दिन, चौथा लग गया। इसीलिए कह रही थी कि थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सुनिए, जब नवरात्र के चौथे दिन आती है, आज बहुत इम्पोर्टेंट दिन है, इसी के दरबार में थोड़ा सा ध्यान लगा कर बैठिए। सबको दर्शन की ग्रासी और जब नवरात्र का नवा दिन आ जाता है तब क्या होता है? नव नवरात्रों में हो मैया, नव नवरात्रों में दोनों हाथों से लुटा दी गोपाल फ्लावर्स डेकोरेशन मालिक तरफ से 100 रुपए का दास आई है। और अब सभी भक्तजनों की इच्छा है कि एक लांगुड़िया के साथ नाच कर झूम कर एक बधाई हो जाए, उसके बाद एक भजन, उसके बाद भगवान कन्हैया की झांकी। और अगली हाजिरी ग्रुप के बड़े जेंट्स कलाकारों में आगमन हुआ है फरकाबाद शहर से, सोनू निराला जी अपने निराले अंदाज में माँ भगवती को मनाने के लिए आएंगे। आइए नाच कर झूम कर एक बार सभी भक्त परिवार माँ भगवती के चरणों में अपनी हाजिरी रखें। सारे लोग आ जाए, जितने भी लोग हैं सब लोग भैया इधर आ जाए। जिन्होंने मैया की ज्योत प्रज्वलित की है परम आदरणीय श्री संजय जी और हमारे मौसम की अगर आवाज सुबह आ जाए परिवार के साथ आए।
और एक बार सारे लोग जितने भी लोग हैं जितने भी आगे बैठे हैं एक बार हाँ मम्मी को ये तो पापा है मम्मी को बैठी है एक बार मम्मी जी आप भी आ जाइए। देखिए ये आप लोगों के बच्चों की फरमाइश है तो कोई बात नहीं ये दरबार है माता रानी का। मैं एक निवेदन आपसे बुलाया जाए तो बार बार ना बुलाना पड़े एक बार में आ जाए क्योंकि समय बहुत अनमोल है और इसी समय में मम्मी जी और भी कलाकारों को हाजिरी लगाने का मौका मिलना चाहिए तो मैं निवेदन करूंगा विलम्ब ना करें आप शीघ्र आए हाजिरी हो जाए सभी की एक बार आ जाए और आप भी आ जाए एक बार सारे लोग आ जाए आप दोनों भी आ जाएंगे और इसके बाद फिर जितने भी लोग सारे लोग फिर आएंगे और एक बार भैया भी आ जाएंगे हो कैला मैया के भवन में गुड्डू बन खेले ना गुड़िया खेले ना गुड़िया हो गुड्डू बन खेले ना गुड़िया हो कैला। देखिए यहाँ पर ऐसा नहीं कि यहाँ पर नाचेंगे तो कोई हम घट जाएंगे या छोटे हो जाएंगे ऐसा कुछ नहीं है वो तो आप लोगों को पता ही है ना। तो आओ जरा कोई भी ऐसा मन में ये ना हो कि नहीं मैंने बोल दिया कि नाचे ये मेरे लिए नहीं आप इनके लिए नाच रहे हैं और हम सभी इनके लिए नाच रहे हैं। आओ जरा सारे कोई लाया दूध कोई खीर की ताली और जब ये लोग झूम कर मनाएंगे जो बैठे हैं वो बजाएंगे ताली। मैं अभी तक मैंने नहीं बोला कि आप खड़े हो जाइए लेकिन एक बार जरूर खड़े हो जाइए। आइए जरा सारे झूम नाचो ढोले भवन में नाचो ढोले काली कमली वाला मेरा यार है काली कमली वाला हो मेरा यार है मेरे बाबा
देखिए सुना तो इतना भैया अपमान मत करिए इसका। देखिए ये बड़ी किस्मत वालों को मिलती है, जब आप वैष्णो देवी जाएंगे ना आपको एक चैनल मिल जाएगी ना, तो आप सोचेंगे मैं बहुत बड़ा भाग्यशाली हूँ। और देखिए ये वैष्णो देवी का ही दरबार है, वक्त पड़ने पर भी उनका पेड़ चंदन से कम नहीं, और जहाँ पर मेरी माँ शेरावाली का दरबार हो वो दरबार भी वैष्णो देवी धाम से कम नहीं। तो ये चूनर भी बड़ी किस्मत वालों को मिल रही, उधर नहीं मिल रही, आप लोगों को ही क्यों मिल रही, ये किस्मत की बात है ना, इसका अपमान नहीं करेंगे। सारे जहाँ झूमेंगे हमें रोला मुर्गा रो पुआ अच्छा भैया हमारा तो कहानी हमें लगा बस शिव साहब आप घर से बुलाना तो बुला लीजिए भाई, जोड़ी के साथ एक बार मैं साथी हूँ आप आ जाइए। हाँ जी आर्यन की मम्मी जी कहाँ पर है? अच्छा वो बैठी क्या? अरे गुलाबी साड़ी वाली पिंक पिंक। हाँ एक बार आप आ जाइए आंटी जी, देखिए इतना सब लोग बुला रहे हैं तो एक बार आ जाइए। ये सर्व दास मुकेश कुमार गुप्ता जी पुनः माँ भगवती चरण समर्पित कर रहे हैं, जय माता दी। आ जाए विलम्ब न करें, सीधे आए जल्दी से एक बार आ रहे हैं। अच्छा नहीं आ रहे तब तक ये लोग बधाई भी नहीं करे हैं, उनके लिए हो जाए। संतो महंतों को बुला कर घर में कराऊं जगराता, ओ मामू राती पूरी करते हलवा पूरी कर दे हलवा, बांटूंगी बांटूंगी नहीं बांटूंगा बांटूंगा
अच्छा कौन कौन बांटेंगे अलिया सारे आओ जरा झूम के हम डूबेंगे हमारा कुछ नहीं जाएगा जरा ताली बजाओ हमारा कुछ झांकी देखने आए होंगे उनको बजनों से मतलब ही नहीं होगा कि नहीं हम झांकी देखेंगे लेकिन बहुत सारे ऐसे होंगे जिनको ये होगा कि नहीं आज की रात हमारी बात माँ से हो तो आओ जरा सारे मिलके बोले मेरा हाथ पकड़ लो
कहते कि सैकड़ों गर्जमंद मिलते हैं और काम के लोग चंद मिलते हैं, और जब मुसीबत का वक्त आता है तो सबसे पहले अपनों के ही दरवाजे बंद मिलते हैं। और दरवाजे तो दरवाजे रहे, आजकल मोबाइल फोन भी बंद मिलते हैं, है ना। एक बार माँ जी कहो तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना और बहुत ही प्यारे से लड्डू गोपाल जी मंच पर तो बैठे हैं। तो आइए दो लाइन लड्डू गोपाल के चरणों में। हाँ, एक भजन और कन्हैया जी की झांकी आ रही है, मिश्री का भोग लगा और बड़ी सुंदर सी झांकी का दीदार करेंगे। और कन्हैया जी के आगमन से पहले आई हुए चंद भजन। हाँ, सौंप भगवान कभी
बगिया में तू है तो बहार सावरे होगा। अच्छा कौन कौन बुलाना चाहते बिहारी जी? हाथों को न उठाओ, अब हाथों को नहीं उठाइए, केवल ताली ताली से अगर देखते वो एक बार सारे हाथ उठा मिल गए मैंने बोली बाकी बिहारी लाल की। अच्छा वृंदावन कौन कौन गए? जो वृंदावन गए वो जानते हो, क्योंकि वृंदावन में रहना है तो राधे राधे कहना है। एक दीवानी जाती वृंदावन था, और जब आप गए हो ना वृंदावन, क्या बात है। नहीं ये शाम के नाम का जादू है, हाँ ये चलेगा, लेकिन इधर वाला नहीं चलेगा, इधर चलेगा। बोली शाम बाकी बिहारी लाल की। मैंने मोहन को बुलाया है वो आता मैंने मोहन को बुलाया है वो आता वो आता Thank you.
ना भूख लगती है ना प्यास लगती है, शाम तेरे बिना है जिंदगी उदास लगती है। वो दीवारी मेरे काना की कहने से कहने लगी कर दिया सिर नहीं आ, ये न पूछो ये न पूछो कि क्या हो गया, 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 मैं खुद सत्ता कदर हो गया, बोली बांकी बिहारी लाल की, बोली राधा रानी सरकार की, बोली सच्चे दरबार की जय। आइए एक बार जोरदार तालियां बजा दें दीपन सिंह जी के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और सौरभ गदा श्री राम आश्रय माली एंड गोपाल फ्लावर्स डेकोरेशन चंदाबाल की तरफ से 50 रुपए गदास सनी गुप्ता जी महामाई चरणों में समर्पित कर रहे हैं। आइए श्री बांके बिहारी लाल मयूर नृत्य ब्रज की फूलों की होली, भक्त और भगवान का मिलन, सुदामा चरित्र, बड़ा सुंदर सा भक्ति अभिनंदन, उसके बाद कुछ सुनने सुनाने वाले भजन अपने अंदाज में, अपने निराले अंदाज में। सोनू निराला जी जिला फरकाबाद से आगमन हो रहा है, और इस बीच ये कुछ अरदासें माँ के चरणों में प्राप्त हुई हैं, भेंटे इस जगराते में सहयोग दिया है। 1100 रुपए श्री राजेश कुमार गुप्ता आर किराना स्टोर, 500 रुपए राज भाई, 100 रुपए विकास गुप्ता गोपी, 501 रुपए राजकुमार कुशवा शिवा हैंडलूम असंदा, 501 रुपए कुलदीप चौहान दिल्ली गाजियाबाद से, 500 रुपए सर्वेंद्र शर्मा गौतला, और 100 रुपए गरदास ईशु शर्मा विधुना, 200 रुपए कल्लू मिश्रा अचंदा, 1000 रुपए रतन पोरवाल अचंदा, और 2500 रुपए राधा कृष्ण यादव असंदा, और ये 250 रुपए मोहन बाबू असंदा, 201 रुपए रामजी दीक्षित, और 200 रुपए माँ भगवती ट्रेडर्स नेवलगंज असंदा, और 250 रुपए राज नारायण पोरवाल हरिगंज वालों की तरफ से, 500 रुपए महेंद्र कुमार गुप्ता जैकी मोबाइल असंदा वालों की तरफ से, 500 रुपए श्याम बाबू शर्मा असंदा, 100 रुपए महेश वाल्मीकि जी, 501 रुपए मनोज पोरवाल सराफे वालों की तरफ से असंदा वालों की तरफ से, और ये 200 रुपए रविंद्र फौजी बद्रीधाम गेस्ट हाउस असंदा, और 200 रुपए हर्षित पोरवाल समाज सेवी, 101 रुपए लालू वातम लाइट वाले, 100 रुपए राजेश वातम इलाहाबाद, 250 रुपए वेद प्रकाश पोरवाल असंदा, 250 रुपए लालजी पोरवाल लकी फुटवेयर, और 250 रुपए सुनील कुमार पांडे वकील साहब, 500 रुपए सुरेश फौजी श्री हरिगंज बाजार असंदा हनुमंतपुर, 500 रुपए महेश चंद्र वातम ये इनायतपुर वालों की तरफ से समर्पित हुए हैं, और 500 रुपए वीरे शर्मा हरिगंज बाजार
एंजल कॉस्मेटिक की तरफ से ये अरदास आई है। और 100 रुपए मनोज पोरवाल किराना वाले, 200 रुपए अर्णव आयरन गोस्वामी, और ये 100 रुपए संजय वाथम ब्लॉक चौराहा असल्ला की तरफ से ये सहयोग मिला है। और ये माँ भगवती चरणों में श्री सुभाष यादव सैनपुर एंड बालाजी ज्वेलर्स असल्ला वाले की तरफ से माँ भगवती चरणों में 101 रुपए की अरदास आई है। अब बैठ जा सभी लोग, एक बार प्रेम से कहते वाकई भी हरिलाल की जय, जय श्री राधेश। प्ले करें बैठ जाए सभी लोग। हेलो 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 हेलो
बना दे। सुनो मटकट शिवा के बिहारी, तेरी नैनों पे जाऊं बलिहारी, इन नैनों को नजर लग जाए। सुनो मटकट शिवा के बिहारी, तेरी नैनों पे जाऊं बलिहारी, इन नैनों को नजर We'll be right back.
एक बार जोरदार खाओ मेरी कसम भगवान श्री हरा बरानी श्री वाक्य बिहारी लाल की बड़ी प्यारी सी छवि आप सब में आ रहे हैं। एक बार सब मिलकर बोले बोल वाक्य बिहारी लाल की जय जय श्री। आइए बड़ी सुंदर सी है प्रस्तुति भगवान कन्हैया और राधा रानी की प्यारी सी नोक झोंक सांवरिया देवी जागरण के माध्यम से आप देख रहे हैं।
आज कन्हैया अपनी माँ से अपने विवाह की बात करने के लिए नैया के पास दौड़ते हुए पहुंचे। ये बड़ा ही प्यारा सा दृश्य है। भगवान कन्हैया अपनी माँ से अपने विवाह की बात कर रहे हैं और जिद भी है कि कुछ भी करो बस राधा के साथ मेरा विवाह करवा दिया जाए। बड़ा प्यारा सा दृश्य आप लोग देखेंगे। कोई भी एक माँ आ जाए, बहुत सुंदर। आइए भैया, कोई भी नहीं, आपने कुछ करना नहीं है, सिर्फ आकर बैठना है। आप लोग बैठ जाइए, कोई भी एक आ जाए। आ जाइए, आ जाइए, आपने कुछ नहीं करना, बस बैठना है। यशोदा भैया, यशोदा भैया अपने आंगन में बैठी माखन निकाल रही है और भगवान कन्हैया उसी समय आ जाते हैं। एक बार सब मिलकर बोले, बोलिए यशोदा भैया की जय। यशोदा भैया आंगन में बैठकर माखन निकाल रही है और भगवान कन्हैया यशोदा मैया के पास आ जाते हैं। भाई बड़ा सुंदर सा यह दृश्य है, आप लोग सभी देखें, बड़ा प्यारा सा दृश्य। खाओ मेरी कसम। तेरी कसम बेटा, बोल। सुनो मैया। सुनाओ बेटा। कि बारिशी उमरिया और धानी सी चुनरिया। अच्छा, गजब कर गई। ताली बजा तो हाथ से रे। जय श्री राधे। जो मैं गैया से राने गए हो ना बरसाने की ओर, अपना सर पे ले ली मोर राधा। बारिश अंदर Thank you.
और बड़ी प्यारी सी है ये प्रस्तुति आप देख रहे हैं। बाकी भी हरे कृष्ण घरों में आइए, एक और बड़ा प्यारा सा दृश्य जिसके लिए आप लोग वृंदावन तक जाते हैं। बड़ी प्यारी सी ये फूलों की होली, भक्त और भगवान के बीच आज भगवान कन्हैया राधा रानी और बाकी बिहारी के सभी भक्त मिलकर ये फूलों की होली खेलेंगे। बड़ी प्यारी सी झांकी हम
क्यों मंगवावे नहीं पिचकारी चकारी मंगवाए नई पिचकारी।
आइए सभी अपने अपने स्थान पर बैठे हैं। अपने प्यारे से दृश्य आप देख रहे हैं श्री वाल्मीकि बिहारी के चरणों में। और आइए सभी श्री जी म्यूजिशियन बैंड के सभी कलाकार मंच पर आ जाए। बड़ा ही प्यारा सा दृश्य आप सभी के बीच सांवरिया देवी जागरण पार्टी और यह 101 रुपये सर्वेश कुमार यादव प्रधान जी के कर कमलों से खजाने में अर्पित हुए। ये सदा इनके संग विराजमान है, इनके परिवार को खुशहाली रखना। आइए सभी व्यवस्था होकर बैठ जाए। बड़ी प्यारी सी आवाज ये 501 रुपए प्रताप ठेकेदार अचलदा के माध्यम से माँ भगवती की चरणों में 1100 रुपए जितेंद्र गुप्ता मुकेश कृष्ण भंडार अचलदा से माँ भगवती के चरणों में अर्पण हुए हैं। माँ के पावन जगराते में ये सहयोग आप सभी का। आइए सभी बैठ जाए अपने अपने स्थान पर। बड़ी ही प्यारी सी आवाज माँ भगवती के चरणों में माँ के पावन सानिध्य में सुंदर सुंदर भेंट और भजनों के साथ माँ भगवती को मनाने के लिए माँ के बच्चे माँ के साथ आवाज दे रहे हैं। सामने देवी जागरण एंड पार्टी के बैनर तले नगर फरकाबाद से बड़े ही प्यारे से भजन लेकर हमारे और जो माताएं जो जा रही हैं मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप सभी बैठे बिना तारा रानी की कथा सुने प्रसाद लिए अगर आप जा रहे हैं तो आपका जगराता पूरा नहीं माना जाता है। इसलिए आप सभी से निवेदन है, बाकी आपकी इच्छा है, लेकिन बिना कथा सुने और बिना प्रसाद लिए कोई भी भक्त जगराते से उठकर ना जाए। जब आपने इतनी देर तक माँ का भजन पूजन किया है तो मात्र 2 घंटे की बात और है। मात्र 2 घंटे बाद तारा रानी की कथा होगी, प्रसाद होगा, प्रसाद लेकर जाए। आइए हमारे बीच नगर भर का बात के Thank you.
हेलो जी मन हेलो हेलो दरबार जिनको अच्छा लग रहा है वो हाथ उठाकर इस दरबार के लिए जोरदार जयकार लगा दो। उसके बाद मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, भजन सुनाऊंगा। ताली बहुत बजा ली आपने, ताली बहुत बजा। एक बार केवल जिनको ये दरबार अच्छा लग रहा है, और अभी तक आधी रात्रि गुजर चुकी है, जिनको ये जगराता अच्छा लग रहा है, जब से जगराता प्रारंभ हुआ है तब से ही बहुत सुंदर सुंदर से भजन आप लोग सुन रहे हैं, सुंदर सी झांकियां भी लग रही है। और एक बार मैं चाहूंगा सभी इंस्ट्रूमेंट कलाकार, सभी कलाकार और सभी जो आए हुए भक्त हैं उनके लिए जोरदार ताली हो जाए, जिस दरबार की शोभा बढ़ाई। और इस दरबार की सुंदरता को देखकर एक बार मैया के लिए जोरदार जयकारा हो जाए। इस पावन नवरात्रि में मां के पावन चढ़ों में एक बार मिलकर बोलिए वैष्णो देवी मैया की जयकार, जयकारा लगाइए। एक बार छोटा सा जोर से बोलो सच्चे दरबार की, वाला जी महाराज की, बैठे इस परिवार की, सच्ची सरकार की, अक्षय कुमार की। मस्ती मस्ती में आग लगे। अगर मेरी बात सुनोगे तो शायद समझ में आएगा, और अगर अपनी बातचीत करोगे तो जागरण तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि वक्त का क्या है, गुजरता है, गुजर जाएगा। बोलो सच्चे दरबार की। तो आइए, सारी रात हो गई है, आप लोगों को बड़े सुंदर सुंदर भजन सुन रहे हैं मैया रानी के, बांके बिहारी के, राम जी के। तो एक बार मैं इस पावन सड़ों में उस भगवान का भजन सुनाना चाहता हूँ जिसकी कृपा हर घर में होती है, और जहाँ नहीं होती है वो घर घर में वीरान हो जाता है। एक बार मिलकर बोलो बालाजी हनुमान की, बोलिए सच्ची सरकार की। आइए पहला भजन मैं अपनी वाणी से हनुमान जी महाराज के चरणों में सुनवाना चाहता हूँ। कौन कौन हनुमान जी महाराज को मानता है एक बार हाथ उठाइए उनके लिए, बिल्कुल सीधे उठाइए। जिनके सीधे है वो सीधे उठाए, और जिनके टेढ़े हैं वो टेढ़े उठाए, और जिनके नहीं है वो अपने पड़ोसी का उठाए, लेकिन उठाएं जरूर। बस यही कम करो मेरे में थोड़ा सा, जो ज्यादा हो रहा है थोड़ा सा। बोलो बालाजी महाराज की, ज्वाला देवी मैया की, शेर वाली मैया की, झटक देने वाली मैया की। ये बात अब सुनिए भजन, आइए देखिए भक्त की भावना क्या है। और विनती है, भजन ऐसे देवता का है जिसकी कृपा अगर हो गई तो कोई संयुग हो, सतयुग हो चाहे त्रेता हो कलयुग हो, लोगों के लिए युग होगा लेकिन बालाजी के लिए सभी युग बराबर है। जो उनका भक्त हो गया वो हर युग के राजा है। मिलकर बोलो हनुमान जी महाराज की जय। आइए बोलाएंगे उनके चरणों में, उसके बाद जैसा भक्त लोग चाहेंगे हम वैसा सुनाएंगे। थोड़ा ज्यादा
साउंड तो गवाता ही है गवाइयों को ताली बजावन के लिए, लेकिन थोड़ा सा अगर मेरी वॉइस इनको क्लियर समझ में आएगी तो कहेंगे फरुखाबाद से कोई आया था। खामो खाम बड़ा बड़ी मारने से क्या फायदा, बोलो सच्चे दरबार की। सुनिए, क्योंकि सच्चा दरबार है और हम आप लोगों से ज्यादा ज्ञानी नहीं है, सभी जानते हैं सभी समझदार हैं, इसलिए सुनिएगा इसकी कृपा हम पर कैसी ज्यादा हो गई है जो आप जैसे भक्त हमें सुन रहे हैं। बोलो सच्चे दरबार की। अच्छा जी भाई, एक बार मिलकर बोलो बालाजी हनुमान की। मैं सारी रात गाता रहूं तो कीर्तन होगा, भजन होगा, और अब सब मिलकर कर गाएं तो हम सभी का जीवन धन्य हो जाएगा। सब मिलकर गाएंगे तो संकीर्तन होगा। बोलो बालाजी हनुमान की। भक्त कहता है, हे प्रभु सुनो बोलिए बालाजी हनुमान की जय। आई भाई जब एक बार सीधे हाथ खड़ा कर बोलो बालाजी सरकार की जय। बोलिए शेर वाली मैया की जय। पवन सुत विनती, क्या बात है, सभी लोग मिले मेरे साथ मिलकर गाएंगे पवन सुत। सच्चा भजन क्यों है और ये सच्चा दरबार क्यों है, ये भी सुनो। तो मैं ये परिवार के साथ गा रहा हूं क्योंकि मुझे समझ पहले ही आ गया कि आप लोग कैसे सुनने वाले बने। कलाकार अगर टाइम पास करने पे आ जाए तो रोज का काम है, और अगर सुनाने पर आ जाए तो अगर सुनाने वाला कलाकार होगा तो सुनाकर हो जाएगा। ये दरबार सच्चा क्यों है, क्योंकि हजारों शहर आते हैं और हजारों गांव आते हैं। हजारों
शहर आते हैं हजारों गांव आते हैं और तपती धूप में भी लोग छाओ छाओ जाते हैं। हजारों शहर आते हैं हजारों गांव आते हैं और तपती धूप में भी लोग छाओ छाओ जाते हैं। इसीलिए झुकाकर सर यहां बैठो ये माँ की चौखट है, झुकाकर सर यहां बैठो ये माँ की चौखट है। अरे हमारी आपकी औकात क्या, यहाँ तो राजा अकबर जैसे भी नंगे नंगे पहुंच जाते हैं। समझ में आए तो ताली बनना नहीं, सुनिए कैसे पावन सुखमती। बस इतना ही बोल रहे हैं क्योंकि कलयुग केवल नाम अघारा सुमर सुमर नर। इतना सस्ता कर दिया है ईश्वर ने आज कलयुग में कि अगर भक्त उनका नाम ही देता रहे तो कल्याण हो जाएगा। हाँ तो भाई राम 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 आज विमाना सभी लोग जानते हैं रघुपति राम राजा राम पति पावन सीता राम ईश्वर भगवान तेरो राम सच्चाई ईश्वर भगवान तेरो राम सब को ऐसे हनुमान जी महाराज कलयुग के ब्रह्मा जी। सुनिए एक भक्त गया बड़ी मुसीबत से पहुंचा तो भक्त क्या कहने लगा बाबा सुनो किसी से हनुमान जी का भजन चल रहा है। हनुमान जी कितने भक्त, लेकिन एक बात सभी जानते हैं, मैंने कहा मैं ज्ञानी नहीं हूं, जब से आया हूं कोई ज्यादा बात तो नहीं की, सुना रहा हूं, लेकिन एक बात बता दूं, हम लोगों के भगवान हनुमान जी, लेकिन ये भी भक्त हैं। कौन है, क्या बात, क्या है भक्तों में आज भी अगर कहीं नाम आता तो सबसे ऊपर नाम
तो समझ लो भक्त की भक्ति नहीं कर पा रहे तो भगवान की भक्ति कैसे। तो इसलिए पहले बिल्कुल हाथ उठाइए सीधे, दर्द तो आए हो रो ठंडा हो जा तूने साथ जो मेरा छोड़ा दीवाना तेरा मन चलेगा, तूने साथ जो मेरा छोड़ा दीवाना तेरा मन चलेगा, तूने ना बात मुझे दे दोरा, तूने ना बात मुझे दे दोरा दीवाना तेरा मन चलेगा, तूने साथ जो तूने साथ जो मेरा छोड़ा दीवाना समझ आ रहा है शक्ति क्या है अब शक्ति सही से बताओ सच्चाई से किस किस को ये भजन अच्छा लग रहा है तो मैं गाऊंगा पर मैं यही बंद कर दूंगा। सभी को अच्छा लग रहा है क्या बात है। और एक बार हाथ लगाकर बोलो बालाजी हनुमान की जय। बालाजी महाराज बोलो जय माता दी। ऐसे नहीं सभी जानते हैं हनुमान जी इतने सच्चे भक्त होने के बाद भी इनको अपना सीना फाड़ना पड़ा क्योंकि आज भी हम लोग कहावत में कह देते हैं ए भाई साहब सुनो मानो तो मानो ना मानो तो हनुमान थोड़े ही तो सीना फाड़ दो है ना कैसे फाड़ दोगे। उनको यकीन था कि मेरे मन में मेरे सीने में राम है। जब तक भरोसा नहीं होगा तब तक कुछ भी नहीं होगा। भरोसा था तभी राम निकले। अब जब दिल को भरोसा है हनुमान मेरे अंदर इधर हाथ था फड़वाएगा नहीं सीना। अच्छा ऐसे नहीं सीना ना फाड़ो लेकिन उनका नाम ले लो हाथ भाई बोलो जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। बड़ा सुंदर ऐसे नहीं श्री राम जाने की मजा किसी का सगा नहीं है। आ जाए तो फ्री में आ जाए और ना आए तो लाखों खर्च कर दो तो भी ना आए। भक्तों एक बार ताली बजा दो भजन अच्छा लगा है तो बोलो बालाजी हनुमान की जय। भजन अच्छा लगा हो तो भजन के लिए ताली होनी चाहिए मेरे बिल्कुल। अच्छा एक बात बताओ ऐसी भजन सुनाए तो थोड़ी थोड़ी कमर चलाए चलाए संग में तुम्हें जानी पड़ेगी।
हमारी तो सेल्फ स्टार्ट है, घर पे ही बटन दबी रहती है। अच्छा सनी, सुनते भी जाइए और जिसका मन करे वो झूमते भी जाइए। अच्छा मैंने किसको मनाया पहले भजन में? हनुमान को। मैया राय तो है, 33 कोटि देवी देवताओं का आभार होता है, हमारे गुरु इष्ट देवता गांव की देवी माँ माता पिता सभी बैठे होते हैं। जिसको जहाँ दिल लगा हो, जिसके हृदय में जिसके लिए श्रद्धा हो, वो उसे यहाँ अतिथि समझकर उसकी भक्ति कर सकता है, इसीलिए जगराता है। और जगराते से बड़ा अनुष्ठान सनातन धर्म में कोई नहीं है। एक बार ताली बजाओ शिवरात्रि के लिए। सच्चाई हुई, सच्चे दरबार में सच्ची बात सुनिए। अच्छा ऐसा है, गाने कम लाग जाते हैं आप करते हैं, इसलिए सोचते हैं क्या क्या बात है भैया। थोड़ा सा गुरु देख लियो नहीं, परेशान एक बार बोलो जय माता दी। अब सुनो भजन किसका मैंने शुरू कर रहा हूं, मानो बोले ना किसका शुरू कर रहा हूं, बोले ना क्योंकि देखो सारी दुनिया की माँ कौन है? गौरा माँ। जब माँ सारी दुनिया की है तो सारी दुनिया के पापा कौन है? बोले जो बोले बम उसके मिट जाए सारे, अब वो खुश रहेगा। भोले की करेगी मौज, करती थी करती है और करती रहेगी, कोई माई दलाल इसको रोक नहीं सकता। बजाओ ताली भोलेनाथ के नाम। सीढ़ी का मारो गुरु, सीढ़ी थोड़ा कम मारो सर, मत सीढ़ी का मारो, मैं लगा हुआ सुन ना थोड़ा सा बस सुन। अच्छा सुनिए, भगवान भोलेनाथ के मंत्र है कुछ उनको मनाने के, और हमको मंत्र आप लोगों में के साथ हम भी गाएंगे, आप लोग भी गाएंगे, ठीक है ना? तो ये मैं शुरू करता हूँ, ज्यादा बातचीत ना करते हुए सभी लोग मेरे साथ भक्ति करेंगे। मैं भक्ति करवाने आया हूँ, घूमने भी आया हूँ, आइए सुनिए। तो वैसे दो मन तो सभी जानते होंगे मेरे विश्वास है, और तीसरा जो जानता है तो समझ लो इन भक्तों में से सबसे पहले दरबार में दर्शन उसी को होंगे जो तीसरा मंत्र जानता होगा। अब सुनाता हूँ मैं आपको, सुनिए पहला सुनिए। सभी लोग बोलते, बच्चे बच्चे बोल लेते, और ये मंत्र बोलने से तीनों लोग पर गए, ऋषि मुनि देवी देवता, तो आज हम लोग भी तर जाएंगे, विश्वास है। बोलो सच्ची दरबार की जय। अच्छा ओम नमः शिवाय, ये तो हो गया सभी लोगों के लिए। जो कांवड़िए होते हैं यहाँ से शायद कोई जाता होगा कांवड़ लेके जल चलाने के लिए। अरे क्या बात है, कांवड़िए देखो सबसे आगे बैठा है, क्या बात है। हाँ ये बम ये क्या लिखा, बम भोले बम भोले बम बम बम, ओ बम भोले बम भोले बम बम। क्योंकि बम, अब मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, ये कौन सा बम है, ये क्यों बोलते हैं बम? जो कांवड़िए जाते हैं दुनिया बोलती है बम बम, इसका मतलब बताओ, कुछ जानते हो कौन सा बम है बता? नहीं मालूम तो सुनो फिर, आज सच्चा लगे तो ताली बजाना। बोलो सच्चे दरबार की ये बम, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जो एक बार बम बोल लेता है उसे समझ लो न जाने कितने कर्मों का फल, अगर पाप हो जाते हैं धोखे में भी बोली मुक्त हो जाते हैं बम बोलने से। बोलो कैसे? रामचरितमानस की पहली चौपाई का पहला अक्षर है वह क्या है, क्या बात, और लास्ट चौपाई का लास्ट अक्षर क्या है? लास्ट चौपाई, लास्ट चौपाई का लास्ट अक्षर
बात, दोनों को एक बार मिलाया ते लिखा हम, और एक बार हम बोलने से पूरे रामचरितमानस पढ़ने का प्रतिफल प्राप्त होता है। ये वो बम है, एक बार ताली बजाओ। सही बात है दादा, तो सुनिए। अच्छा सुनिए, आप पढ़ेंगे बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम बम। सभी जब आ रही देखो, अब बताता हूं तीसरा मंत्र, और तीसरा जो बोलेगा वो सबसे पहले दरबार की कुंडी क्यों खोलेगा ये भी सुन लो। कुंभ जानते हैं सभी लोग, कुंभ लगता है और कुंभ के मेले में ब्रह्म मुहूर्त में सबसे पहले स्नान अघोरी बाबा करते हैं, उसके बाद सभी लोग करते हैं। तो समझो जब पहला स्नान वो करते हैं तो दर्शन भी पहले और बाबा सुनते भी सबसे पहले। क्यों? सबको छोड़ के उनको नहीं होते। बोलो भोलेनाथ महाराज की जय। सुनिए, वो कब जब जाते हैं तो उनका बेला क्या बोलता है और ये बोलना है, सुनो भैया एक मिनट। अगल बंद अगल बंद बंद अगल बंद बंद बोलना। अबे कान में जाने कितने चला भूलता रहे भैया, एक बार बोल जाओ प्लीज। आपको दर्शन होंगे तुरंत बाबा केदारनाथ। अगल बम 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 अगल बम 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 अगल बम 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 अगल बम बम बगल बम 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 बम। दोबारा अगल बम 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 अगल बम बम बगल बम बम बगल बम बम। क्या हो यो? नहीं भाव तब ही नहीं कर पा रहे हैं। बोलो सच्चे दरबार की ताली बजाओ भैया के लिए। अगल बम बम बोल सकते हैं, क्यों बोल सकते हैं ये भी सुन लो। जब रामचरितमानस की पहली चौपाई का अक्षर याद है तो पूरी कृपा है, एक बार ताली बजाओ के लिए। बोलो सच्चे दरबार की चप्पल खोलिएगा। कोई बात नहीं है तो माता हटी बेटी 100 ग्राम हटाओ। ऐसा है मैं धीरे धीरे कर्म होता हूँ, बोले की तरह जी क्या फंसा दिया तुमने लंगर। हाँ ऐसे कर दीजिए माए के बदबू आ रही। हाँ तो भाई नमः शिवाय। जिसने अकल बम नहीं बोल पाया वो खड़ा हो जाए। तुमने बोली नहीं पाया तुम खड़े हो जाओ। आ गया ये कावड़ लेके जाते आओ। नाम बता दो। विकास। विकास बताओ, जिसका नाम है विकास पोस्टर में पोस्टर वाला नहीं ये क्या कह रहे हो आप भैया देना ना। बोलो योगी महाराज के भक्त हैं। अच्छा हाजी लगाओगे बाबा, हम भगवान भोलेनाथ से कृपा करेंगे, यहाँ के भक्तों पर इतनी कृपा करें कि आप इतना ज्ञान दे दें, क्योंकि वो ऐसे देवता हैं ब्रह्मा जी जिसका भविष्य लिखे और वो गड़बड़े लिखते हैं। बाके पास यहाँ कई उपचार है, वो भोलेनाथ की सेवा करें, क्योंकि ब्रह्मा जी का लेखा तो बदल सकता है, तो सिर्फ हमारा भोला बोल भोलेनाथ महाराज की जय। इनके को राजा कहा करो ना जाने। कुछ लोग ये कह रहे होंगे भैया ये गवैया बहुत चालू है, जल्दी जल्दी कह रहा है, तो आप धीरे से सुनो ताल के साथ। इधर देखो भैया जबरू कैसे बजता है। हेलो अकल बम बम देखो, दो शब्द नहीं कर पा रहे,
ये सत्य। अभी इनसे पूछे अंग्रेजी कम से कम झाड़ फेंक देंगे दुनिया की। अंग्रेज छोड़ चले गए, अंग्रेजी छोड़ गए। भैया एक मिनट के लिए प्लीज, अकड़ बम 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 बम, कोई बात नहीं, अकड़ बम 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 बोल रहे हैं, अकड़ बम बम बम, कोई बात नहीं, अगले साल बोलना, बोलो सच्चे दरबार की, बोलो नहीं खड़े होकर यहाँ झूमो, हाँ झूमो के तभी शक्ति आएगी। भैया अभी आ जाओ प्लीज, ये बात टाइम दो, क्यों सबका नाम कर ली है, बोला कोई नहीं यहाँ पे, भैया आप भी खड़े हो जाओ प्लीज, आनंद आ जाएगा, ये बात नमः लाइन सुनो, ये इतना फास्ट जा जरूर रहो लेकिन सुनते भी जाओ, वीरेंद्र भाई यही तो बात है, सुनो, शिव से कोई भेद छुपाना, शिव से कोई भेद छुपाना, शिव है राम सबका मतलब बड़ा हुआ, हाँ। शिव बिना सब सब है प्यारे, शिव है जगत रचिया। कितने सबको बैठे हैं, सभी लोग लाइन सुनिए, मिले मिले और अच्छे बजाना जीते रहो, सुनो सबको बता रहा हूँ, सबको भोले महादेव को खबर है तेरी हर बात की, महादेव को खबर है तेरी हर बात की, हाँ सुनो बोलना, इनको चिंता नहीं है किसी बात की, चिंता नहीं है किसी बात की, चिंता नहीं है। कौन कौन भोलेनाथ के दरबार में चिंता लेके आया, वो हाथ उठाए, ये सब चिंता में जी, चिंता में सुने की कल मार पड़ेगी और रात भर जाकर सुन रहे सुने स्कूल कौन जाएगा, है ना, चिंता नहीं है किसी बात की, चिंता नहीं है किसी बात की, महादेव को खबर है तेरी हर बात की, इसीलिए क्या बोला है, जय भोलेनाथ की, जय भोलेनाथ की, सभी जानते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः गुरु भोलेनाथ महाराज की जय। हाँ वो हम समझ रहे हैं आपकी, लेकिन नहीं मैं गा दूंगा, लेकिन अब थोड़ा सा चेंज होना चाहिए थोड़ा सा, क्यों, वैसे मैं बताऊं ये मेरी एक अलग सोच है, मैं आपको बता दूं, मैं आया हूं, आप जो बता रहे हैं वो आप कैसेट में भी सुन सकते हैं, लेकिन जो मैं लेके आया हूं वो शायद कैसेट में नहीं मिलेगा,
इसीलिए में चलेगा और इसीलिए में क्या परीक्षा हो रहा है पूरी के लिए बहुत टाइम लगेगा थोड़ा सा भगवान कन्हैया का भजन सुनाते भैया बारी बारी किसका सुना है श्याम का सुना श्याम का ही सुनिए और श्याम श्यामी चिल्लाइए सभी लोग एक बार बोलो जय श्री श्याम ऐसे ना बोलो जरा तेज बोलो जय श्री श्याम बोल हारे के सहारे की जय ऐसे नहीं बोल तीन बार धारी की जय शीश के दानी की जय रक्षाकार की जय श्याम सरकार की जय आइए जरा और देखिए भजन भी है एक्टिंग के साथ सुना हुआ कहानी सुना रहा हूं सुनिए के भला अब सुनिए भाई कन्हैया जी की गाने सुना रहा हूं श्याम और कोई ऐसी वैसी कहानी नहीं है किसकी कहानी है प्रेम की प्यार की जो आज लोग कह देते हैं आज की डेट में सुनो ये सोच की बात है ये श्री मुकेश कुमार गुप्ता जी सौरभ माँ भगवती के चरणों में समर्पित कर रहे हैं जय माता दी सुनिए भाई उस समय की बात सुना रहा हूँ देखिए मैं बैठ गए सब बैठ गए जो खड़े में खड़े रहेंगे भाई आप लोगों के ऊपर जो आज माहौल बना रखा है लोगों ने मैंने कहा मैं इतना बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ लेकिन जो देखा है थोड़ा सा घूम घूम के वो बता 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 आज जो लोग कह देते ना प्यार बड़ा बेकार चीज है ये तो लोगों की सोच हो गई है अगर सोच में नहीं होता भगवान तो हमारे बीच बैठे होते सुनिए भगवान श्री कृष्ण को सभी जानते हैं अच्छा राधा जी को भी सभी जानते हैं कौन कौन जानता है राधा जी को बोल राधे रानी सावरे सरकार की तो सुनिए लेकिन कन्हैया जी की पत्नी कौन थी रुक्मणी रुक्मणी लेकिन आज हर मंदिर में हर जगह राधे और श्याम वो क्यों इसीलिए ये भजन है इसीलिए भजन है सुनिए हाँ बोलिए बाकी बिहारी लाल की आप सभी से ये भजन है कोई ताली ना बजाए जयकारा ना गाए सिर्फ सुनिए कन्हैया जी जब राधा जी को छोड़ कर गए तो परसों का वादा कर गए थे कब का कि मैं परसों आ जाऊंगा लेकिन परसों की परसों बीत गए कन्हैया का कोई पता नहीं चला तो राधा चिंतित होने लगी
आप लोगों ने भी सुना होगा, हमसे बड़े बड़े फनकार इस दुनिया में गाने में भी कोई औकात नहीं है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ आपके दिल को छू जाए, क्योंकि इसमें थोड़े थोड़े कुछ ऐसे नगमे चुने हैं, आनंद आएगा इन्हें दर्शन। बोलिए सच्चे दरबार की जय। राधा जी कहती है हर किसी लड़की को गलत नजर से देखने वाले, एक दिन तेरी सोच तेरी मौत का फरमान बन सकती है, और एक लड़की जिसे दिल खोलकर प्यार किया जाए वो गर्लफ्रेंड और बीवी ही नहीं, किसी की माँ किसी की बहन भी हो सकती है, किसी की माँ किसी की बहन भी हो सकती है। तो सुनिएगा आधारित एक बजन कहने लगे कटिया कैसा प्यार है तेरा,
और आपको बता दें कन्हैया जी ने देवकी के पेट से जन्म लिया, छैया की वजह से। कहती है राधा तुम्हें नहीं पता कन्हैया, जब मुझे तुमसे प्रेम हुआ था उस समय मुझे सभी गोपियों ने, सभी सखियों ने मुझे मना किया था, इस छैया का भरोसा नहीं है राधा, मान जा। लेकिन तो होना था, चलेगी प्यार तो सुनी बात हो गई तो राधा जी कहती सुन ले और बता दो छैया क्यों है, देवकी के पेट से जन्म लिया, वहां भी नहीं रहा, कहा नहीं रहा, यशोदा ने पाला वहां भी नहीं रहा, राधा ने प्रेम किया वहां भी, मीरा दासी बन गई लेकिन उसका भी छलिया है प्यारे, ये आया ही किसी और काम से था, एक बार ताली बजाओ श्याम प्यारे की, तुम्हें नहीं मालूम कि मैंने कितना झेला है, उससे लोगों ने कह दिया जी कहते हैं, हम जिसको भी बताते हैं वो मेरी गाथा से पुराने लगता, सुन लो, जब कोई सुनेगा जब कोई सुनेगा एक समय बाद जब द्वारिका में रुक्मणी जी कृष्ण जी के साथ बैठी थी तो कृष्ण जी से एक जवाब पूछ लिया, ये बताओ ये राधा कौन थी, बोलो भाई कन्हैया जी, कन्हैया जी की पत्नी कौन थी, रुक्मणी, तो रुक्मणी ने कन्हैया जी से सवाल कर दिया, ये बताओ राधा कौन थी, तो राधा जी का जब नाम आया तो कृष्ण जी तुम जानते हो, सभी जानते हैं राधा का जब नाम आता है तो कन्हैया नाम से ही झूठने लगता है, जैसे पीर के सामने सांप झूठने लगता है, बोलो सच्चे दरबार की, अब सुनो पत्नी सवाल पूछ रही है, मैं बात कर रहा हूँ थोड़ा मीठे कर लो बिल्कुल कौन नहीं लगता, पत्नी सवाल कर रही है कन्हैया जी चक्कर पड़ गए, बोले सुनो तुम्हारी शादी हो गई तुम्हें हम मिल गए, तुम काहे चक्कर पड़ी हो, बैठो नहीं माने रुक्मणी रोने लगी, अब जब पत्नी रोने लगती है तो तुम जानते हो क्या हाल, हम सभी पागल हो जाते हैं, हाँ करें तो करें क्या, पत्नी का आदर सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा है, बोलो सच्चे दरबार की जय, तो कन्हैया जी को बताना पड़ा, कहने लगे सुनो राधा हमारे नसीब में नहीं थी, राधा हमारी प्रेम का है सभी जानते हैं, लेकिन वो मेरे नसीब में नहीं थी, और जो चीज नसीब में नहीं होती उसके पीछे नहीं जाया जाता है, जो नसीब में होती है वो खुद ब खुद चली जाती है, अगर तुम चाहती हो तो बताओ मैं उसके पास चली जाऊं, नहीं दादाजी कहने लगे, रुक्मणी कहने लगी ना मैं जाऊंगी ना तुम जाओगे, क्यों मैं तुम्हें राधा जी के पास नहीं जाने दूंगी, क्यों मिले हो तुम हमको, मिले हो तुम हमको, मिले हो तुम हमको, मिले हो
हसी मोह से चुराया है मैंने आज ही मैं उसी जगह जाती हूँ कहाँ पंडित में मधुबन कन्हैया ने किसी का इंतजार किया ही नहीं, जिसने किया कन्हैया का इंतजार किया। आज हम सब बैठे हैं इंतजार में, बोल बांके हरिलाल की, बोल श्याम प्यारे की, इंतजार मेरे पास आ जाओ। अब मैं बताता हूँ कन्हैया जी कितने दिनों बाद आए थे। कन्हैया जी 100 साल बाद आए थे। कितने बाद? 100 साल बाद। बैक टू पवेलियन, यानी जहाँ थे आप, हाँ गोकुल में राधा जी के पास मिलने आए थे। और कोई है बोलते ना, श्राप भी था राधा से अलग होने का, वो पूरा भी हो गया, 100 साल का श्राप था, इसलिए गए थे। ये भी सुनिए, अब कहने लगे राधा जी मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ, कह रही वो जिंदगी में कोई कभी था की मंजिले रुस्ता है, कोया है दासता। बड़ी सच्चे दरबार की अगर अच्छा लगा हो तो बड़ी अच्छी किसी को दरबार होनी चाहिए। छोटा सा भजन आप और सुनिए, प्यारा सा, साढ़े चार का, साढ़े चार। अपना दिल पेश करो या अपनी अदा पेश करो, अपना दिल पेश करो या अपनी अदा
कुछ समझ में नहीं आता तुम्हें क्या भेंट करूं, जो तेरे दिल को लुभा ले उतनी अदा मुझ में नहीं, और क्यों ना तुम्हारी कोई अदा तुम्हें भेंट करूं। इसलिए सभी जाते हैं बोल भाग्य बिहारी लाल की, जो मोटे मोटे नैनन के तू और मीठे मीठे बैनन के तू, सामरी सूरत के और प्यारी प्यारी मोहिनी मूरत के तू, बोल भाग्य बिहारी लाल की जय गजराहे। नजर ना लग जाए इधर से भी नजर ना लग जाए, जा लग रो जन्मा से बैठी हाथ उठाइए, कौन कौन कन्हैया जी की नजर उतारना चाहता है हाथ उठाना, हाथ है तो उठा ले नहीं तो है कोई बात नहीं, हाथ उठाइए कोई बात नहीं। ये तो कन्हैया जी दादा जी की बात जब आती है तो सभी जानते हैं भैया, ओ भैया सुनो, इश्क करके तुझसे दीवाना बेताब हुआ फरियाद हुआ, प्रेम करके तुझसे दीवाना फरियाद हुआ दीवाना हुआ, भूल गया अपना दीवान पर साधक से बतिया। सभी जानते हैं ये है जो मुझको राधा रानी ये इधर आओ, राधा रानी नजर ना लग जाए। सही से बताइए भजन किसको अच्छा लग रहा है, किसको अच्छा लग रहा है, जिनको अच्छा लग रहा है वो हाथ उठाए, भैया हाथ थक गए क्या, बोलो बांके भी हरी लाल की नजर ना लग जाए भैया। जवानी में मंजर ढीला नजर ना लग जाए, अब आ जानी चाहिए होए होए होए, नजर ना लग जाए नजर ना लग जाए भैया, मेरे चैन बहन सब उजड़ा का कह रहे, क्या बात है बड़े लड़ुआ खा रहे, देखो मो कैसे भट्टा कैसे कर रहे, बोलो सच्ची दरबार की मेरे चैन बहन सब उजड़ा कहाँ कहाँ नजर मिला रे,
आपकी ओए होए पर मैं गाऊंगा मेरा हाथ भाइये अब आज लगाओ ना चले नहा लग जाए 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 हलवा मेरे चिंता ना करो हाँ ना चले नहा लग जाए कन्हैया जी से कह रहे हैं सभी लोग सुनिए हे कान्हा देखो क्या बजा रहे भैया कन्हैया जी क्या बजा रहे हैं पीछे मत देखो क्या बजाते हैं बंसी तेरी मुरली अंतिम छो में हाथ रहिए सभी लोग बिल्कुल जी में नजर ना लग जाए नजर ना लग जाए इधर से भी भैया भजन अच्छा लगा हो तो हाथ उठाएं हमारे चेहरे पर लाइटें बहुत बढ़ रही हैं इसलिए मैं आपको देख नहीं सकता क्योंकि सभी जानते हैं मैया का प्रसाद जो बटता है भगवान का दरबार का कहीं प्रसाद बट रहा हो और अगर वो आप लोग लेने जाएं तो कैसे लेते हैं हाथ उठा कर लेते कैसे लेते भैया दे दो माता बहने कैसे लेते ये तो मां भाती जा रहे लाओ जाइ उठारो अगर मांगते हो तो हाथ उठा लो हमसे ना मांगो हम गांव के प्रधान नहीं है इनसे मांगो इनसे अब जो मांगते हैं वो हाथ उठाए इधर से भी उठाए ताली बजा कर बोलो नजर ना लग भजन अच्छा लगा हो तो ताली भजन के लिए बजा दीजिए और क्या झांकी बांकी तैयार हो अच्छा जी देखिए मैं नाचीज इस मैया का छोटा सा सेवक सोनू ने डाला अगर मुझ पर कोई गलती हो गई हो तो छोटा भैया बच्चा समझ के क्षमा आप लोगों पर गलती अगर हो जाएगी तो मैया बैठी है और अगर थोड़ी सी मेहनत अच्छी लगी हो तो उस पार्टी के लिए जोरदार ताली बजा देना क्या बात है बहुत बहुत मेहरबान आप सुन रहे थे सोनू निराला फरकावाद से आइए ये श्री मुकेश कुमार गुप्ता जी 101 रुपए माँ भगवती के चरणों में बड़े प्यारे से अंदाज में आइए एक बड़े प्यारी से झांकी आप सबके मध्य बाहुबली हनुमान जी महाराज आप सभी भक्तों को दर्शन देने के लिए आ रहे हैं
आप सभी भक्त बड़े भाव से बड़ी श्रद्धा से माता मां भगवती के पावन सानिध्य में हनुमान जी महाराज के दर्शन करें। बड़े प्यारे से ये झांकी शायद आप पहली बार देखेंगे, एक विशाल रूप हनुमान जी का मां जगत जननी के श्री चरणों में एक बार दोनों हाथ खोलकर बोले बोले हनुमान जी महाराज की, बोले राजा रामचंद्र भगवान की। आए सभी भक्त अपने अपने स्थान पर बैठ जाए और हनुमान जी महाराज के दर्शन करें। जय श्री हनुमान जी का रूप देखिए, बोले बालाजी महाराज की। राम जनेया पर परम पाई कष्टवानी।